Hello guys, welcome back. This is Dhirendra Kumar and just you are watching our YouTube channel English by DS. मेरे प्यारे भाइयों, जैसा कि कल के पार्ट सिक्स वीडियोज़ में हम लोगों ने प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में डिस्कस कर रखा था, आज हम उसी पार्ट को थोड़ा सा आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं. ओके गाइस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस के कल के क्लास में हम लोगों ने जिस चीज़ के बारे में चर्चा किया था वो था अ स्ट्रक्चर और आइडेंटिफिकेशन. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस. ध्यान से सुनेंगे, चीज़ें काफ़ी इजी हैं सर. अगर आप ध्यान से सुनते चलते हैं, चीज़ों को गौर से सुनते हैं, अक्वायर करते हैं, चीज़ों को अप्लाई करते हैं, आपको चीज़ें सारी की सारी समझ में आने वाली है. देखिए, कल हम लोगों ने क्या किया था कि स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं सर. बेहद आसान था भाई. आसान कैसे था सर? हम आपको बता रहे हैं कि कॉन्टिन्यूस का मतलब होता है बिफोर, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब. और प्रेजेंट का भी मतलब बता रखे हैं भाई. प्रेजेंट का मतलब होता है फर्स्ट फॉर्म एंड फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब. और आपको ये भी पता होगा कि सर बी फोर के पहले, मीन्स फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब के पहले हमेशा बी फैमिली का यूज किया जाता है. बी फैमिली, ओके गाइस, बी फैमिली. तो बी फैमिली का क्या खोज रहा है सर? बी वन और बी फाइव. अगर बी वन और बी फाइव खोज रहा है बी फैमिली का, तो बताएं कि एक होता है एम, दूसरा होता है आर, और भी फाइव होता है इज. लास्ट में बिफोर, उसके लास्ट में ऑब्जेक्ट लगा दीजिए सर, और फर्स्ट में सब्जेक्ट लगा दीजिए. स्ट्रक्चर बनकर तैयार. यहाँ तक की बात हुई सर. यहाँ तक की बातें हम लोग ऑलरेडी कर रखे थे, जिसमें हम लोगों ने आईडी के बारे में भी चर्चा किया था कि देखिए किस तरीके से आईडी काम करता है. और ये भी बताया था कि देखिए कभी कभी आईडी फ्लॉप भी कर जाता है, कि सेंटेंस के लास्ट में रहा रही रहे, नहीं भी हो सकता है सर. तो हम लोगों ने एक अपना तैयार किया था कि एक एक्शन होता है, और वो एक्शन अगर वो एक्शन को रिप्रेजेंट करता है, कोई स्टार्ट होता है एक्शन और वो कंटिन्यू होता है, तो हम लोग उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंस के कैटेगरीज में रखते हैं वैसे वैसे सेंटेंसेस को. तो चलिए आज ना सर एक एक करके एप्लीकेशन देखना शुरू करते हैं. एप्लीकेशन करने का मतलब यूज ऑफ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस. तो चलिए सर एक एक करके एप्लीकेशन किसके बारे में जानकारी हासिल करते हैं. देखिए सबसे पहला बात कि भाई प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस अ स्टेट को भी रिप्रेजेंट करता है सर, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस एक्शन को रिप्रेजेंट करता है सर. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस वैसे एक्शंस को रिप्रेजेंट करता है जो स्टेटिव होते हैं. बहुत सारे ऐसे स्टेटिव एक्शंस होते हैं जो कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं हो सकते. ओके, बहुत सारे ऐसे स्टेटिव एक्शन होते हैं जो कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं हो सकते. उन्हें कॉन्टिन्यूअस में नहीं बल्कि इंडेफिनेट टेंस में रखा जाता है. तो याद रखिएगा, इंडेफिनेट के समय में हम आप लोगों के साथ में ये भी बताया था कि इंडेफिनेट वैसे एक्शंस को भी रिप्रेजेंट करता है जो स्टेट को रिप्रेजेंट करता है, वैसे एक्शन को भी रिप्रेजेंट करता है जो एक्शन को रिप्रेजेंट करता है. ये वैसे एक्शन को रिप्रेजेंट करता है जो सिर्फ और सिर्फ एक्शन को रिप्रेजेंट करे. ओके गाइस, ये स्टेट को रिप्रेजेंट करने वाला वर्ड होता है सर, लेकिन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं होता. ओके गाइस, जैसे देखिए अगर हम लोग बोलते हैं ही इज अ टीचर, आप इस सेंटेंस को ध्यान से देखें, आपको चीजें समझ में आ जाएंगी. देखिए आप इज को देखकर डायरेक्ट सेंटेंस को प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का नहीं कह सकते सर. क्यों? आप देखिए, अगर ये इज है तो इज के पहले ही का यूज किया गया है सर, और इज के बाद ए टीचर का यूज किया गया है. ही इसका सब्जेक्ट हुआ और ए टीचर इसका ऑब्जेक्ट हुआ. सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, यह स्ट्रक्चर तो सर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पे सेट कर रहा है. मतलब ये जो दिया हुआ सेंटेंस है वो अपने आप में कॉन्टिन्यूअस नहीं, प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस कहलाएगा सर. तो देखिए बहुत सारे सेंटेंसेस ऐसे हैं जो इज एम आर का डायरेक्टली यूज तो करते हैं, लेकिन हेल्पिंग वर्ब के कैटेगरी से नहीं, हेल्पिंग वर्ब के तौर से नहीं, वो यूज करते हैं मेन वर्ब के तरीके से सर. तो जब मेन वर्ब के तरीके से यूज कर रहे हैं तो याद रखिएगा कि सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब होगा तब ये, अगर ये हेल्पिंग वर्ब के तरीके से काम करेगा तो इसके साथ में जरूर कोई ना कोई वर्ड आएगा, और वो वर्ड इसके साथ में एक्शन काम कर रहा होगा, एक्शन कर रहा होगा. एक्शन उसी का पॉसिबल होगा जो सच में एक्शन कर सकता है, उस वर्ड का बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होगा जो स्टेट को रिप्रेजेंट करता है. ओके गाइस, तो चलिए बात करते हैं आगे. अगर बात करते हैं सर कि ऐसे ऐसे वर्ड्स भी होते हैं, मतलब ऐसे ऐसे एडवर्ब भी होते हैं जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज किए जाते हैं,
जैसे देखिए मैं कुछ वर्ड्स को लिखना चाहूंगा यहाँ पे, अगर बात करें नाउ, ओके, बात करें स्टिल, बात करें नाउ दीज डेज, नाउ अडेज, ओके, नाउ अडेज बोल सकते हैं, नाउ दीज डेज या दीज डेज, दीज डेज, नाउ स्टिल, नाउ अडेज, दीज डेज। आप बोल सकते हैं सर एट दिस मोमेंट, बोल सकते हैं एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, एट दिस टाइम। आप बोल सकते हैं एट प्रेजेंट। ये वर्ड ऐसे वर्ड हैं जो जब भी आएंगे तो ऑनगोइंग एक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे देखिए छोटा सा एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूं कि नाउ ही कम्स होम, नाउ ही कम्स होम, तो भाई ये सेंटेंस गलत है सर। क्यों? क्योंकि नाउ जब भी आता है तो किसको रिप्रेजेंट करता है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को रिप्रेजेंट करता है। सेंटेंस को देखने से नहीं लगता कि सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का नहीं है सर, क्योंकि इसमें कॉन्टिन्यूअस तो है ही नहीं। तो सबसे पहले इसे कॉन्टिन्यूअस बनाया जाए। अगर इसे कॉन्टिन्यूअस बनाएगा तो देखिए V5 है, इसे दीजिए सर इज, और इसे कर दीजिए कमिंग, लास्ट में बचेगा होम, इसके पहले लगा हुआ है ही, इसके पहले लगा हुआ है नाउ, नाउ ही इज कमिंग। ये सेंटेंस सही है जबकि ये सेंटेंस गलत है। क्यों ऐसा हुआ सर? क्योंकि ये ऐसे एक्शन को रिप्रेजेंट करता है जो ऑनगोइंग टाइम, ऑनगोइंग एक्शन को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करता है। जो बोलते समय में एक्शन जारी होता है वैसे एक्शन को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करता है। इसीलिए हम लोग इन सभी वर्ड्स के साथ में कॉन्टिन्यूअस टेंस के अलावा दूसरे किसी भी टेंस का यूज नहीं करेंगे सर। जैसे देखिए स्टिल, नाउअडेज, नाउअडेज काफी अच्छा वर्ड है, बहुत बार एग्जाम में आया भी है सर। जैसे देखिए व्हाट डू यू डू दिस डेज, व्हाट डू यू डू दिस डेज, क्या करते हो आजकल भाई साहब? दिस डेज, दिस डेज। अब जरा ध्यान से देखिए कि क्या कर रहे हो आजकल, कि क्या करते हो आजकल। भाई जब क्या करते हो ये सेंटेंस पूछ रहे हो तो सर ये तो उसका हैबिचुअल हो गया, ये तो उसका हैबिचुअल होगा, शुरू से लेकर अभी तक में काम कर रहे हैं। तो भाई मेरे ये सेंटेंस के साथ में दिस डेज का यूज नहीं करेंगे आप। इस सेंटेंस को लिखेंगे व्हाट आर यू डूइंग दिस डेज, व्हाट आर यू डूइंग दिस डेज, ओके, व्हाट आर यू डूइंग दिस डेज। दिस डेज जब भी आएगा तो सेंटेंस कौन सा आएगा सर? कॉन्टिन्यूअस आएगा, ओके, दिस डेज आएगा तो सेंटेंस के साथ में आप कभी भी वी1 का यूज, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज नहीं कर सकते हैं। ओके गाइस, मूव करते हैं आगे की तरफ। जैसे देखिए एट दिस मोमेंट, अगर बात करते हैं एट दिस मोमेंट, तो एट दिस मोमेंट कैसे यूज होता है? जैसे लिखिए ही इज वॉचिंग टेलीविजन, ही इज वॉचिंग टेलीविजन एट दिस मोमेंट, इस समय, एट दिस मोमेंट, इस समय। तो देखिए इस समय को, अभी के टाइम को, अभी की बात को, अभी के एक्शन को रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा है, और अभी के एक्शन को रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा है। इसलिए देखिए यहाँ पे क्या आया सर? वॉचिंग, एट दिस मोमेंट इसका एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, और इस एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के साथ में क्या यूज किया गया सर? तो बी4, यानी कि कॉन्टिन्यूअस टेंस। अगर बात करते हैं एट प्रेजेंट, तो एट प्रेजेंट आई एम रीडिंग बुक्स, आई एम रीडिंग बुक, अभी मैं किताब पढ़ रहा हूँ। तो एट प्रेजेंट, याद रखिएगा ऐसे एडवर्ब्स हैं, ये ऐसे एडवर्ब्स हैं जो ऑन गोइंग एक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं सर। ऑन गोइंग एक्शन कहने का मतलब होता है भाई साहब जो बोलने के समय में जारी हो, ओके, जो बोलने के समय में जारी हो, वैसे एक्शंस को रिप्रेजेंट करने के लिए ये सारे के सारे वर्ड्स का यूज किया जाता है। काफ़ी इजी है, काफ़ी समझने लायक बातें हैं सर। आखिर ऐसा क्यों होता है? जैसे देखिए नाउ, अभी, अभी के बारे में बात कर रहा ना भाई मेरे, तो अभी के बारे में बात करें तो अभी वाली बातें को बारे में चर्चा कीजिए ना सर। नाउ ही इज रीडिंग अ बुक, नाउ ही इज डांसिंग, नाउ ही इज गोइंग टू अ स्कूल। तो ऐसे सिचुएशन में याद रखिएगा कि जो नाउ होता है ऑन गोइंग एक्शन को रिप्रेजेंट करता, ऑन गोइंग एक्शन का मतलब होता है जो एक्शन कॉन्टिन्यू है,
और अगर आप इसके साथ में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अलावा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं तो जाहिर सी बात है गलत है। क्यों सर? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस वैसे एक्शन को रिप्रेजेंट करता है जो अनचेंजिंग है सर, जो रिपीटेड है और जो रिअकरिंग है। भाई ये बार बार थोड़ी ना हो रहा है सर, ये बार बार नहीं हो रहा है, ये वैसे एक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है जो अभी हो रहा है। ये पहले हुआ है या बाद में होगा, इन सब इसी से कोई लेना देना नहीं है। ये अभी हो रहा है ना सर, अभी हो रहा है, वैसे एक्शंस को रिप्रेजेंट करने के लिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में ऐसे ऐसे वर्ड्स का यूज किया जाता है। ओके गाइस, आशा करता हूँ कि यहाँ तक की बातें समझ में आए होंगी आप लोगों को। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।